नागपुर शहर में कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए अब मनपा की ओर से 24 मई से आपके परिसर में वैक्सीन अभियान चलाया जाएगा। 45 प्लस को मिलेगा पहला व दूसरा डोज। मनपा के एडिशनल कमिश्नर राम जोशी इन्होंने यह जानकारी दी है। सिटी में कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए अब मनपा की ओर से 24 मई से आपके परिसर में वैक्सीन अभियान शुरू कर रही है। 24 से 29 मई तक सभी जोन के हर वार्ड में यह अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पहला व दूसरा डोज लगाया जाएगा। महापौर दयाशंकर तिवारी और आयुक्त राधाकृष्णन बी के संकल्पना से हर जोन में यह अभियान शुरू किया जाएगा। अधिक से अधिक नागरिकों को वैक्सीन लगाने के उद्देश्य से यह शुरू किया जा रहा है। महापौर ने सभी पात्र नागरिकों को इस अभियान का लाभ उठाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि सभी परिवार इसका लाभ उठाए। एडिशनल कमिश्नर राम जोशी ने बताया कि 24 मई से प्रत्येक जोन के वैक्सीन सेंटर परिसर में नागरिकों को वैक्सीन दी जाएगी। सप्ताह भर में हर जोन के अलग अलग जगहों पर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रत्येक सेंटर के परिसर में उक्त योजना अमल में लाई जाएगी। पेश है उनसे बातचीत के कुछ अंश। हेलो, तो दर्शकों, इस समय में हमारे साथ में मनपा के एडिशनल कमिश्नर राम जोशी सर है। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि परिसर में जो वैक्सीन जो दिए जा रहे हैं वो कितने महत्वपूर्ण रहने वाले। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से मनपा की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है कि सिटी में जो कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए अब मनपा ने 24 मई से आपके परिसर में वैक्सीन यह अभियान चलाया, ये कितना महत्वपूर्ण है जोशी सर? हाँ, अभी फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग से 45 प्लस उम्र के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो अभी 96 केंद्र पे जो लोग आ रहे हैं उसकी संख्या कम हो रही है। इसका हमने थोड़ा सा इंक्वायरी किया तो पता चल रहा है कि कुछ एरिया से स्लम वगैरह या जिनको दूर पड़ रहा है ये केंद्र, वहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि ये हेलो हाँ सर बोलिए जी। हाँ, हमने सोचा कि हम लोग नहीं आते तो हम उनके वहाँ तक जाएंगे, इसलिए ये अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं कल से। सोमवार मंगलवार को कहाँ हमारी टीम जाएगी वो इस दौरान हमने पब्लिश कर दिया है। लोगों से यही निवेदन है, उम्मीद है कि अपने अपने एरिया में जब ये वैक्सीनेशन सेंटर आ रहा है तो उस दो दिन में अपने घर के जो भी सीनियर सिटीजन है, 45 प्लस वाले लोग है, जिनका वैक्सीनेशन पूरा कर लिया जाए ताकि शहर से कोरोना भगाने के लिए हमें उसकी मदद हो जाए। सर, ये बताइए कि ये जो अभियान है इसका क्या समय रहने वाला है, कितने देर तक ये अभियान चलाया जाएगा, कितने दिनों तक? हाँ, अभी फिलहाल तो हमने 7 दिन का उसमें शेड्यूल दिया हुआ है। सोमवार मंगलवार कौन से टीम कौन से जगह पे जाने वाली है वो। इसके अलावा जिस मोहल्ले से हमें ज्यादा डिमांड आएगी, हमारा मकसद है कि वो सेंटर करीब करीब दिन भर में 101 लोगों का तो भी वैक्सीनेशन होना चाहिए ताकि पूरी यहाँ की जो जनसंख्या है 45 के ऊपर की जी, तो हम इस दौरान सर कुल मिला के कितने डॉक्टर्स की टीम हर परिसर में कामकाज करने वाली है? हाँ, यहाँ हमारा नर्सिंग स्टाफ जो है वो हर केंद्र में रहेगा जी। अभी करीब करीब हमारे 100 से 200 केंद्र इसमें शुरू रहेंगे और ये सभी केंद्रों पे हमारा नर्सिंग स्टाफ रहेगा। 2 या 3 केंद्र मिलके एक डॉक्टर भी सुपरवाइज करते रहेगा और कुछ आयुष डॉक्टर्स है इसमें, BDS और BMS वाले डॉक्टर्स, वो भी इस दौरान हमारे यहाँ टेम्परेरीली नियुक्त के तरफ से। ये बहुत बड़ा अभियान, हमारा मकसद यही है कि 45 की उम्र वाले सब इसमें कवर हो जाए। बिल्कुल, तो दर्शकों, आप थे मनपा के एडिशनल कमिश्नर राम जोशी सर, जिन्होंने बखूबी बेबक के साथ बात करते हुए ये बताया कि 24 मई से प्रत्येक जोन के वैक्सीन सेंटर परिसर में नागरिकों को वैक्सीन दी जाएगी। सप्ताह भर में हर दिन जोन के अलग अलग जगहों पर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी, ऐसे राम जोशी साहब का कहना है। जोशी जी, और क्या कहना चाहते हो? हेलो। हाँ सर, और बताइए सर। आवाज कट रही है। हेलो। हाँ सर, बोलिए ना, आवाज आ रही है सर। हाँ, पूछो ना, क्या बोलता था? हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोरोना मरीजों की तो मतलब उनकी प्रिकॉशन ली जा रही है, मगर जो डॉक्टर की टीम या आपके अधिकारी है, कर्मचारी जो लोग हैं, उनकी प्रिकॉशन किस तरह से मनपा प्रशासन लेने वाली है सर? हाँ, हम लोगों ने हमारे सभी जो हेल्थ केयर वर्कर्स है इनका वैक्सीनेशन भी करा लिया है। इनको टेम्परेरीली जो नियुक्त किया है उनको हम लोग सैलरी भी दे रहे हैं और उनको ट्रेनिंग भी दिया हुआ है जी। तो ऐसे ही अच्छा काम था, लेकिन अभी लोगों की स्थिति केंद्र पे कम होने के कारण हम ये लोगों के पास तक जाने का ये उपक्रम लगा। तो
तो बहुत बहुत धन्यवाद राम जोशी साहब, आपने जो काफी अच्छी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाई है। तो दर्शकों, जैसे कि सर ने बताया कि ये जो अभियान है ये तारीख 24 मई से लेके 29 मई तक चलने वाला है, और इस अभियान को आप काफी अच्छा प्रतिसाद दे और 45+ जो है वो जरूर इसका फायदा उठाए और अपना वैक्सीन पूरा लीजिए। आपके परिसर में ये वैक्सीन अभियान चलाया जाने वाला है, इसका जरूर लाभ ले ताकि कोरोना की चेन ब्रेक करने में काफी मदद हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद राम जोशी साहब जो आपने जानकारी दी। चेन का भी शुक्रिया। बीसीएन न्यूज के लिए संजय मीरे की रिपोर्ट।